एक प्रेमी जो अपने ही प्रेमिका का बन गया ससुर और शादी के 2 साल बाद ही उस घर में हुआ खूनी खेल। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इसके पीछे की कहानी जानने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है, जहाँ पर दिनेश राउत जो कि एक कपड़े की दुकान किया करता था, वह कपड़े की दुकान रात में हो रहे थे, वह इसलिए दुकान बंद कर रहा होता है और उसी के कुछ दूरी पर एक मोटरसाइकिल लगी हुई थी, वहाँ पर 2 व्यक्ति जो कि उसे निहार रहे थे। वह चुपचाप से अपनी दुकान बंद करता है और दुकान बंद कर लेने के बाद वह सीधे अपनी साइकिल को उठाता है और उस पर बैठकर चलने लगता है, जो कि वह अपने घर जा रहा होता है। अचानक से कुछ दूरी पर, दुकान के कुछ दूरी पर जाने के बाद ही वह मोटरसाइकिल पर जो 2 लोग आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, जिससे दिनेश जो राउत जो होता है वह वहीं पर प्राण गंवा देता है, वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जब पुलिस आती है, पुलिस उसे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और जांच पड़ताल करना शुरू करती है। वहाँ के सीसीटीवी कैमरे ऐप सीसीटीवी फुटेज को जब चेक किया जाता है तो उसमें पाया जाता है कि 2 व्यक्ति जो कि एक मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं और वो ताबड़तोड़ गोलियां उस पर बरसाए जा रहे हैं। उस मोटरसाइकिल का नंबर नोट कर लिया जाता है जो कि वो फर्जी निकलता है, और फिर भी उन दोनों को चेहरे का शिनाख्त कर बहुत ही जल्द पुलिस जो कि उन दोनों को भी पकड़ लेती है। पुलिस पकड़ कर लाती है और उसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पूछताछ करने के दौरान पहले तो वह इधर उधर की बातें करते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब सीसीटीवी फुटेज को दिखाया जाता है उन दोनों को, तो वो कबूल लेते हैं कि हाँ, ये हम दोनों ही हैं, और बताना शुरू करते हैं। कहते हैं कि मैंने ये नहीं किया है, जो अरविंद है, जो उसका मामा, उसी ने हमें सुपारी दी थी, तब जाकर मैंने ये इसका कत्ल किया है। जब ये बातें वह पुलिस सुनते हैं तो तुरंत वहाँ से पुलिस को एक टीम को भेजा जाता है और अरविंद को जो कि उस व्यक्ति जो कि दिनेश राउत के मामा होता है, उसे पकड़ लिया जाता है और लाकर थाने में उससे भी पूछताछ की जाती है। वह थाने में पुलिस पूछ रही थी, लेकिन वह कुछ भी बताने को नहीं तैयार था, वह मुंह नहीं खोल रहा था। लेकिन अरविंद राउत बताना शुरू करता है, कहता है कि जो दिनेश राउत की जो पत्नी है, मेरे भगनी की जो पत्नी थी, वह मेरी पहले गर्लफ्रेंड थी जो कि शादी से पहले, और हम लोग जो कि एक शादी में मिले थे जहाँ वह भी अपने माता पिता के साथ आई हुई थी और मैं भी उस शादी में गया हुआ था। वहीं पर हम दोनों की आँखें लड़ती है और हम दोनों वहीं से जो कि एक दूसरे का नंबर लेते हैं और अक्सर एक दूसरे से रात भर बातें किया करते हैं। दिन अच्छे से हम लोग का कट रहा होता है, लेकिन उसके माता पिता जो होते हैं कहीं लड़का ढूंढने लगते हैं, जिसे वह जो होती है सुमन, वह कहती है कि मुझसे शादी करना है तो मेरे गार्जियन से बात करो। तो जो मैं होता हूँ, अपने माता पिता से बात करता हूँ कि मेरी जो सुमन है, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसे शादी करना चाहता हूँ। जो मेरे गार्जियन होते हैं, मेरे माता पिता जो होते हैं, उसके घर जाते हैं, लेकिन जो सुमन के माता पिता होते हैं वह शादी से इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि आपका बेटा से अभी मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, जो मैं कहीं और शादी करूँगा, जो आपका बेटा अभी कोई काम धंधा नहीं करता है। ये सब कहकर वह वहाँ से मेरे माता पिता को धुतकार कर वहाँ से चला देते हैं और कहते हैं कि आपकी जो अपने बेटी की मैं शादी कहीं और करूँगा, अपने बेटे की तुम शादी कहीं और कर दो, जो कि मुझे मंजूर नहीं था और सुमन को भी ऐसी मंजूर नहीं, वह भी अपने माता पिता के दबाव में थी। लेकिन मैं कई बार कहा कि हम दोनों भाग चलते हैं, लेकिन सुमन बोली कि मैं अपने माता पिता को दिल नहीं दुखाऊंगा, जहाँ वो शादी करेंगे मैं वहीं रहूँगा। मेरे भांजे के साथ शादी फिक्स कर दी जाती है और मेरे भांजे के साथ उसकी शादी हो जाती है। और जब वह मेरे घर आती है तो उसे पता चलता है कि यह भी जो कि अरविंद का घर है और जो कि जिससे मैं प्यार करती थी, वह भी सन रह जाती है, वह भी सोचने लगती है कि वह कैसे रहेगी। लेकिन वह किसी तरह से कंप्रोमाइज़ कर लेती है और धीरे धीरे हम दोनों अक्सर उस घर में मिला करते हैं, बातें किया करते हैं। कई बार हम लोग के बीच अक्सर जो कि जब वह दिनेश घर से चला जाया करता था अपनी दुकान पर, तब मैं उसके घर जाता और उसे अक्सर बातें करते करते एक दूसरे के साथ हम दोनों अक्सर संबंध बना लिया करते हैं, जो कि दिन बहुत ही मस्त गुजर रहा होता है। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि गर्लफ्रेंड मेरी थी और किसी और की शादी हो जाने के बावजूद भी वह मुझसे अक्सर संबंध बना लिया करती थी। मैं अक्सर जाता अपनी बहन बहन के घर और उसे साथ जो करने का रहता वह करता हुआ फिर अपने घर चला आया करता था। कि अचानक से एक दिन मैं उसके घर गया, जो मेरी बहन थी वह दरवाजे पर मुझे रोक कर कही कि तुम इस घर के अंदर नहीं आ सकते, जो तुम मेरी बहू के साथ कुछ अनहोनी कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, जो तुम इस घर में आज दिन के बाद पैर नहीं रखोगे, तुम अपने घर में रहो और मैं अपने घर में रहूंगी, मैं अपने मायके को भूल गई हूँ। ये सब चीज़ें कर कर वहाँ से मुझे बेइज्जत किया जाता है। जब दिनेश आता है तो वह भी मेरे जो कि कॉलर पकड़ कर मुझे बेइज्जती करता है वहीं पर सब सारे गाँव वालों के सामने, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाता हूँ और मैं वहाँ से आता हूँ और फिर प्लानिंग करता हूँ कि उसे रास्ते से हटा देनी चाहिए। तब मैं शहर जाता हूँ और शहर में जो कि 2 व्यक्ति से जान पहचान मेरी होती है, वहाँ पर मैं बातें करता हूँ कि मुझे एक के लड़के की सुपारी देनी है जो कि उसे इस दुनिया से अलविदा करना है,
जो कि दो लड़के होते हैं कौशल और विकास, वो दोनों हमसे सुपारी ले लेते हैं 6 लाख रुपए में और जाते हैं और उसे इस दुनिया से अलविदा कर देते हैं। तो पुलिस कहती है कि तुम्हें अब उम्र कैद की सजा होगी, तुम्हें अब कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। पुलिस उसकी बातें सुनकर तुरंत सुमन को भी अपने घर से, जो कि वो अपने ससुराल में होती है, वहां से भी उठाकर पुलिस लाती है थाने में और उसे भी पूछताछ करना शुरू कर देती है। वह सुमन भी वहां से सारी बातें को बताती है कि हाँ, जो कि वह मैं उससे प्यार करती थी और अक्सर हम दोनों मिला करते थे और जब भी उसका मन होता वह मेरे ससुराल आता अपने बहन के यहाँ, और वह जब घर में कोई नहीं होता तो हम दोनों अक्सर संबंध बना लिया करते थे। मेरी मर्जी न होती लेकिन हम दोनों, जो कि मैं मजबूर थी, मैं कुछ कर नहीं पा रही थी कि मैं किस तरह से अपने पति को बताऊं और किस तरह से इसे छुटकारा पाऊं, क्योंकि मैं इसी के परिवार में आ चुकी हूं, इसी के घर में आ चुकी हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। काफ़ी दिन ऐसे ही गुजरता जा रहा था, मैं उससे धीरे धीरे तंग आ गई थी, तब जाकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं सोची कि क्यों ना अपने पति को ये सब बातें बतानी चाहिए, क्योंकि अगर पति को मैं नहीं बताऊंगी तो पूरी उम्र जो है मुझे इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेगी और उसके साथ अक्सर संबंध बनाना पड़ेगा। जो कि एक शाम को वह मेरे पति आते हैं, रात के करीब 8 बज रहे होंगे, वो आते हैं और खाना मैं देती हूँ। खाना खा लेने के बाद जब वह बेडरूम में आते हैं तो उनके पैरों को पकड़कर मैं माफ़ी मांगने लगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने सबसे बड़ी गलती की है। वो समझ नहीं पाते हैं कि वह तुम माफ़ी किस लिए मांग रही हो, ऐसी सवाल करने लगते हैं, लेकिन मैं बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं किस तरह से अपने पति के सामने अपने चरित्र के बारे में बताऊं। मैं किसी तरह से हिम्मत जुटाती हूं, अपने पति को बताती हूं कि जो तुम्हारे मामा है, जो उसके तुम भांजे हो, उससे मैं पहले, जो शादी से पहले प्यार करती थी, उसके साथ जीवन बिताने की सोच रही थी और उसके साथ कई बार संबंध बना चुकी हूँ, जो कि मैं नहीं चाहती, लेकिन जब भी वह तुम्हारे मामा हैं जो आते हैं और मेरे साथ जो कि संबंध बनाते हैं और मुझे मजबूर कर कर और फिर यहाँ से चले जाते हैं। उसका पति ये सब बातें सुनकर वह सन रह जाता है, उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है, वह सोचने लगता है कि वह करे तो करे क्या। लेकिन दिनेश राउत जो होता है वह अपनी पत्नी सुमन को, जो कि उठाता है अपने कदमों से और कहता है, तुमने ये सब सही किया जो कि हमें बता दी, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, अगर तुम्हारे मन में छल कपट होता तो तुम मुझसे जरा से भी चीज नहीं छिपाती, तुम ये सब चीजें मुझे नहीं बताती। ये सब कहकर वह अपनी पत्नी को शांत करता है, अपनी पत्नी के आंसुओं को पोंछता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं जो बात करूंगा अपने मामा से और उसे कहूंगा कि ये सब चीजें छोड़ दे और जो कि मैं रिश्ता उसे खत्म कर लूंगा। ये सब कहकर अपनी पत्नी को वह आंसुओं को पोंछ कर वहीं पर लिटा देता है, वहीं पर वह पत्नी को सुला देता है और तुरंत रूम से वह बाहर चला आता है। रूम से बाहर आने के बाद वह अपने माता पिता से बात करता है, अपने माता पिता को बताता है कि जो मामा है वह इस तरह से मेरी पत्नी के साथ करते हुए आ रहे हैं, आप लोग इतने दिनों से देखे नहीं हो। उसके जो माता पिता होते हैं जो कहते हैं कि मुझे शक नहीं था कि जो एक मामा है जो अपने ही भांजे की पत्नी के साथ इस तरह की चीजें कर सकता है। जो दिनेश राउत के पिता होते हैं वह कहते हैं कि ठीक है, जो अगली सुबह होगी तो हम लोग वहाँ चलेंगे और जो कि उससे बात करेंगे अब तुम्हारे मामा से कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अगली सुबह होती है, वहाँ से जब सारे घर वाले जब तैयार होते हैं, मैं खाना पकाकर सारे लोगों को खिला देती हूँ और सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद सभी वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर जो कि दोनों में क्या बातें होती है वो मैं नहीं जानता, वहीं पर दोनों में हाथापाई भी होती है, दिनेश राउत और उसके मामा में, और वह दोनों हाथापाई कर कर एक दूसरे की धमकी देते हैं कि वह दोनों को देख लेंगे। इतना कहकर वह जो होते हैं दिनेश राउत मेरे पति जो कि मेरे घर आ जाते हैं। जब अगली सुबह होता है तो वह मेरे पति जो होते हैं चले जाते हैं अपनी दुकान पर, जहाँ पर वह कपड़े की दुकान किया करते थे, वहाँ पर जाते हैं और शाम को करीब 6 बज रहे होंगे, वह अपनी दुकान को बंद कर कर वह रास्ते में आ ही रहे होते हैं अपनी साइकिल से, तो उसके पास एक मोटरसाइकिल आता है और उस पर दो लोग सवार होते हैं कि उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। जब ये बातें पुलिस सुनती है तो बताती है कि जो दिनेश राउत के मामा है उसे मैंने गिरफ्तार कर लिया है और उसे उम्र कैद की सजा मैं दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा और तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, समाज में अक्सर देखा जाता है कि शादी से पहले किसी के साथ अफेयर होता है और शादी के बाद भी जब उस महिला या फिर किसी पुरुष का शादी जब हो जाता है फिर भी वो एक उसी के साथ संपर्क में रहते हैं, उसके साथ अक्सर संबंध में बनाया करते हैं। यही सब रिश्ते जो कि समाज को अक्सर बिगाड़ दिया करते हैं और ऐसी चीज़ों का जन्म देते हैं अपराध का कि उन्हें जिंदगी भर के लिए पछताना पड़ता है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या करना चाहते हैं कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।